दोस्तों, हमारे चैनल ट्रैवल जैजी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 3 दिसंबर 2017 की ट्रैवल न्यूज़। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है मुंबई में चलने वाली लोकल ट्रेन से रिलेटेड। अब तक हम लोकल ट्रेन में सफ़र करने के लिए टिकट कुछ स्टेशन से ही लेते आ रहे हैं, लेकिन अब एक नई एप्लीकेशन निकली है, UTS एप्लीकेशन, जिसके थ्रू हम टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। आपको टिकट बुक करनी है और उसमें एक QR कोड आएगा जिसे आप जाकर स्टेशन पे स्कैन कर सकते हैं और डायरेक्टली स्टेशन पे एंटर कर सकते हैं। सो बेसिकली जो हमें लॉन्ग क्यू में खड़े होना पड़ता है टिकट्स लेने के लिए, उससे हमें निजात मिलेगा और हम आसानी से टिकट बुक कर सकेंगे और अपना समय भी बचा सकेंगे। तो जिन जिन स्टेशन पे मशीन्स इंस्टॉल हो चुके हैं, इनके नाम मैंने अपनी स्लाइड में दे दिए हैं, आप देख सकते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो जो रेलवे के वेंडर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके लिए है। रेलवे ने एक नई ऐप चालू की है, IREPS। इस ऐप के थ्रू वेंडर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स जो अपना सामान रेलवे को सप्लाई करते हैं और उसके लिए जो बिल बनते हैं, अब उसका स्टेटस ऑनलाइन देख सकते हैं। इवन वो पुराने बिल भी देख सकते हैं और डिफरेंट स्टेजेस में जहाँ पे वो बिल है उसका करंट स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी ऐप रहेगी उनके लिए और उनको एक नई सुविधा प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है क्रूज़ टूरिज्म से रिलेटेड। अभी जो इंडिया में 80 शिप्स पर ईयर यूज़ हो रहे हैं और उस जो गवर्नमेंट है उसका टारगेट है 900 पर ईयर करने का। बेसिकली हम जानते हैं कि मोस्टली पीपल क्रूज़ एन्जॉय करने के लिए सिंगापुर जाते हैं इंडिया से। सो अभी गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जो क्रूज़ेज़ हैं वो इंडिया से स्टार्ट हों और थाईलैंड, फिलीपींस और कंबोडिया तक जाएं, जिससे कि ये जो क्रूज़ हैं वो इंडियन लोग भी अच्छे से यूज़ कर सकें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।